नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रयागराज में पुराने चौक स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दर्जनों दुकानें आग की चपेट में आ गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लग गईं, लेकिन घंटों तक काबू नहीं पाया जा सका। बता दें कि करीब 200 दुकानों के कॉम्प्लेक्स में आग से बचने के सुरक्षा उपकरण नहीं पाए गए, जिस वजह से पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आग की घटना के बाद हुए नुकसान के कारण व्यापारियों में भारी आक्रोश है। फिलहाल आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। और मौके पर हमारे संवाददाता आशीष भट्ट मौजूद हैं। आशीष, प्रयागराज में अग्निकांड का बड़ा हादसा हुआ है, कैसे आग लगी, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? आज सुबह लगभग 5-5:30 बजे यहाँ के पुराना इलाका है, शहर के चौक इलाका है, ये देख सकते हैं, यहाँ ये नेहरू कॉम्प्लेक्स है और भीषण आग लग गई है। अभी भी 5 घंटे हो गए लगभग, अभी भी ये आग पर काबू नहीं पाया गया। लगभग दर्जनों से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है और अभी तक आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी भी आग पर काबू नहीं पाया है। कई दुकानों पे अभी भी आग की लपटें उठ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे बुलडोजर की भी सहायता से कि जो दुकानों के अंदर नहीं पहुंच पा रही है, फायर ब्रिगेड की टीमें अंदर नहीं पहुंच पा रही है, उस दुकानों को तोड़ के अंदर जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस ये कॉम्प्लेक्स रहता है यहाँ पे 3-4 बार, और जो सबसे बड़ा रिहायशी इलाका है, चौक एरिया है, चौक की मार्केट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा इलाका, जहाँ पे अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि ये पूरा इलाका देख सकती है, हर इधर दोनों तरफ देख सकती है, दोनों पट्टियों में जब दुकानें हैं और काफी, और इस समय रमजान का महीना चल रहा है तो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और ये अगर यही घटना दिन के अगर 10-10:30 बजे होती तो काफी और बड़ा हादसा हो सकता था, पर उस समय 5:30-6 बजे की ये बात है आपको बता रहे हैं, तो उस समय कोई नहीं था जिस समय ये आग लगी है। पर लगभग अभी अभी बताया जा रहा है कि 20-25 दुकानों के ऊपर ये आग पहुंचती जा रही है और ये अंतर अंतर ही बढ़ती जा रही है। पर दिक्कत का ये है कि अभी भी यहाँ पे अंदर की ओर अभी कोशिश करी जा रही है कि अंदर कैसे पहुंच के वो आग पर काबू पाया गया। यहाँ पे कुछ हमारे साथ व्यापारी भी है, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरीके का नुकसान हुआ है और ये हादसे के कौन जिम्मेदार, किस तरीके का ये हादसे अभी तक जो अभी 5 घंटे हो गए हैं पर काबू नहीं पाया गया, क्या दिक्कतें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या हमारे साथ एक व्यापारी है, इनका यहाँ पे एक शॉप है, ये दुकान पे आग लगी है, यहाँ पे ये मार्केट में आग लग गई है, तो क्या कहेंगे किस तरीके की यहाँ पे खामियां पाई गई है। जो अक्सर देखा जाता है कि 4-5 बार ये माना जाता है कि 4-5 बार यहाँ दुकानों में इस मार्केट में आग लग चुकी है, तो क्या दिक्कत है, किस तरीके की यहाँ पे कमियां है तो यहाँ अक्सर ये आग लग जाती है। फायर हैंडल वगैरह की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है। सुबह 5-5:30 बजे से आग लगी हुई है, लगभग सैकड़ों दुकानों से ज्यादा यहाँ पर आग की चपेट दुकानें आ चुकी है। हम सुबेरे 8 बजे से प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल आर्मी की फायर ब्रिगेड वगैरह को बुला करके स्थिति को काबू पाया जाए, क्योंकि अभी हमने कल ही देखा है हम लोगों ने कि कानपुर में किस तरीके से 5-5 कॉम्प्लेक्स जल के एक साथ स्वाहा हो गई, खरबों रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करोड़ों रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका हो, जिनके दुकानें बची है उनके दुकानों पर आग से नहीं तो फायर ब्रिगेड के पानी से जो है वो माल खराब हो रहा है, मगर इसको कोई देखने वाला नहीं है। और जहां तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की आर्मी आ जाए तब भी हम लोगों को कुछ भी नहीं पहुंचा, मगर अभी तो सिविल की ही चल रही है, सिविल डिफेंस के भी हमारे लोग मौजूद है, वो भी हम लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं, मगर इनके करने से क्या होगा, जब तक कि हम लोगों को त्वरित आराम नहीं मिलेगा, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, उस तरीके से नहीं होने पर हम लोगों को बहुत आसानी स्थिति हो रही है। हम लोग निशब्द है इस बारे में बताने के लिए। देखा आपने ये आर्मी की को बुलाने की बात कही जा रही है, आर्मी की फायर ब्रिगेड को बुलाने की बात करी, देखिए बता दें कि यहाँ पे दर्जनों से ज्यादा अब तक यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है और आग पर बात करें तो अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आशीष, कितना नुकसान हुआ है, क्या किसी के हताहत होने की भी खबर है? नहीं, आहत की बात करें तो अभी हमने पहले ही आपको बताया था कि सुबह का मामला है तो जिस समय दुकानें बंद रहती हैं तो उस समय ये आग लगी थी, तो किसी तरीके का आहत का नुकसान तो नहीं हुआ है। पर बात करें यहाँ पे जो व्यापारियों का माल काफी भर दिया गया था, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और ये काफी बड़ी मार्केट है, 210
लगभग दुकानें इसके अंदर है, पर यहाँ पे रमजान के महीने पे काफी भीड़ लगती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है, तो काफी सामान इसके अंदर स्टॉक में भर दिया गया था। पर जिस तरीके से आज आग लग गई है, तो जैसा कि अभी अभी व्यापारी ने भी यहाँ पे बताया, लगभग करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके का दुकानें जली हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए दुकान के अंदर किसी तरीके का कोई भी ये सर नहीं है कि कोई सामान बचाओ, ये बाहरी दुकानें हैं, अंदर किस तरीके का अभी अंदर का क्या है वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अंदर अभी अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे तरीके से एक एक सामान जल चुका है, काफी नुकसान हो। आशीष से संपर्क टूट गया हमारा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें प्रयागराज में बड़ा अग्निकांड हुआ है जिसमें सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कानपुर के बाद ये प्रयागराज में दूसरी घटना है, जहां सुबह ये आग की घटना हुई है, वहीं दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने में लगी हुई हैं। बता दें नेहरू कॉम्प्लेक्स में ये बड़ी घटना हुई है और लगातार दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है, घंटों से आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आप देख सकते हैं धुओं का अंबार लगा हुआ है, पूरी दुकानें जलकर राख हो गई हैं। और प्रयागराज से एक बार फिर से हमारे साथ आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या मौके पर अभी कोई आला अधिकारी पहुंचे हैं या मौजूद हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अभी प्रशासन की तरफ से भी हमारी कोई बात नहीं हो पा रही है, अभी कोई यहाँ पे अभी आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कई डिपार्टमेंट के लोग लगे हैं, चाहे नगर निगम की बात कर लें, कई ऐसे सिविल डिफेंस है और नगर निगम की टीम है, फायर ब्रिगेड है, और कई आला अधिकारी पहुंचे पर अभी तक इनसे बात नहीं हो पाई है। बात करें यहाँ पे, आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ नगर निगम की टीम से यहाँ पे ये बुलडोजर बुलाया गया, बुलडोजर से ये दुकानें को अंदर तोड़ के, जिस तरीके से तोड़ कर अंदर अंदर तक पानी को पहुंचे, जिसके अंदर की, क्योंकि अंदर बहुत ही दुकान है, अंदर तक अभी नहीं पानी पहुंच पा रहा है। ये बाहरी एरिया आपको हम दिखा रहे हैं, जिससे अब देख तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से जो भी सामान है वो पूरे तरीके से जल चुका है, खराब हो चुका है, और जो अंदर पानी जा रहा है, वही व्यापारियों का ये भी कहना, जो फायर ब्रिगेड से पानी अंदर पहुंचाया जा रहा है, तो उससे भी जो अंदर सामान रखे हैं वो खराब हो रहे हैं। बता दें इस मार्केट में कॉस्मेटिक की, कपड़े की, प्लास्टिक की दुकानें, कई तरीके की दुकानें हैं, जिससे देखिए कपड़े की दुकानें और साथ ही साथ प्लास्टिक की दुकानें हैं, तो प्लास्टिक से जिस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पे आग पकड़ ली है, जिससे काफी, आप भी देख सकते हैं अभी इसमें अभी भी आग से काबू नहीं पाया गया और चारों तरफ से धुआं निकल गया। और ये एक इधर से नहीं, हम आपको पीछे कभी दिखाएंगे, यहाँ पे पीछे की साइड में आपको हिस्सा है, आपको जब हम करेंगे उधर पीछे का हिस्सा आपको दिखाएंगे, यहाँ पे पीछे का ये हिस्सा है, ये इधर इधर भी ये काफी सकरीला इलाका है, यहाँ पे भी देख सकते हैं लोग अपना अपना सामान खाली कर रहे हैं, और यहाँ पे जिस तरीके से अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी डाल रही, अंदर तक जा रहा है पानी, और ये आग बुझाया जा रहा है। देख सकते हैं हम सामने तस्वीर में, कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि जो बच पाया हो, पूरे तरीके से खराब हो चुका है, लगभग लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, और लोग अभी भी अपना सामान यहाँ पे हटा रहे हैं, और यहाँ पे पूरा इलाका सुबह यहाँ पे सन्नाटा पड़ चुका है, जो कि रमजान का महीना, इस समय यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे इस एरिया का जो चौक एरिया है, पूरी दुकानें हम आपको अभी अभी अपने कैमरामैन से दिखाएंगे, ये इधर का एरिया देख सकते हैं, पूरी दुकानें जो कि इस समय यहाँ पे पूरे तरीके से सन्नाटा पड़ता हुआ है। कि बता दें कि रमजान के महीने में यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई दमकल की गाड़ी भी खड़ी हुई है और लगातार गाड़ियां आती चली जा रही हैं, और अभी तक 5 घंटे से ऊपर हो चुका है,
और आग पर काबू नहीं पाया गया। जी मजूर जी, धन्यवाद आशीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के संबल में जिला योजना की बैठक में पहुंचे बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बयान देकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर प्रदेश में सांड सफारी शुरू करने के लिए योगी सरकार पर किए अखिलेश यादव के तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को सांड, सारस और गाय में फर्क नहीं मालूम। अखिलेश यादव किसान विरोधी है, उन्हें यह नहीं पता कि गाय के साथ सांड भी किसानों की खेती के लिए उपयोगी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कस्बा जोया में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के द्वारा पूर्व मंत्री के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने सीएम और पीएम पर निशाना साधा। बता दें कि सचिन चौधरी ने पीएम मोदी को रावण बताया और कहा कि इस युग के रावण का वध राहुल गांधी के द्वारा ही होगा। साथ उन्होंने ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में बताते हुए मुसलमान लड़कों पर किए जा रहे एनकाउंटर का भी जिक्र किया और योगी सरकार पर निशाना साधा। जो उत्तर प्रदेश की फोर्स है, माय गॉड, ये लगा लो कि निशाने में नंबर नहीं आ रहा हमारा ओलंपिक में, लेकिन इस पुलिस का बिल्कुल हड्डी के बराबर से बिल्कुल सटीक निशाना योगी सरकार की पुलिस का, मैं इसका कायल हो गया साहब। इसे कहते हैं ये ऑपरेशन लंगड़ा, और ये लंगड़ा लगता है गोकसी पर अक्सर गायों के नाम पे, जिसे गायों को कांग्रेस सरकार ने माता का दर्जा दिलाया। हमारे धर्मों में, ग्रंथों में माँ का दर्जा गाय को है। माँ के नाम पर मोदी ने वोट मांगा, माँ के नाम पे बीजेपी ने वोट मांगा, आज अधिकारी बोलते हैं वो गाय नहीं है, आवारा पशु बोलिए। मैंने कहा दुर्भाग्य है इस देश का। मेरे मीडिया बंधुओं, मेरे साथियों, वो दिन दूर नहीं कि आपके घर के बाहर एक दाढ़ी की गर्दन काट के और एक पंडित की गर्दन काट के, पंडित जी की गर्दन काट के बाहर लटका दी जाएगी। कोई ये पूछने वाला नहीं हो गर्दन किसकी लटक रही है। ये इस तरह का माहौल देश में बना है। यूपी के फतेहपुर जिला न्यायालय में अपहरण मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ 21,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि घटना वर्ष 2010 की है, जब 2 वर्षीय मासूम बच्चे का बाइक सवार 3 लोगों ने अपहरण कर लिया था और 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अपहरण सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मुठभेड़ के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को साकुशल बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। लेकिन तीनों आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसमें एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके बाद अब जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चंदौली के कृषि विज्ञान केंद्र में दिव्यांग और सशक्तिकरण विभाग ने ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बतौर अतिथि राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और अन्य उपकरण वितरित किए। उन्होंने शासन के द्वारा संचालित योजनाओं से दिव्यांगों को लाभ दिलाने पर अफसरों की जमकर प्रशंसा की, साथ ही अन्य दिव्यांगों को चिन्हित करके जल्द ही उन्हें लाभान्वित करने का निर्देश दिया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने कुल 80 दिव्यांग चिन्हित किए हैं, जिन्हें मोटराइज्ड ट्राई साइकिल और उपकरण का वितरण किया गया। बिल्कुल, ये आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, आगे भी जो दिव्यांग हमारे जो भाई बहन हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाई है, मैंने प्रशासन से भी अनुरोध किया है, खुद भी मैं, क्योंकि कोई भी ऐसा दिव्यांगजन नहीं है जिसको ये सुविधा न मिले, सभी को उपलब्ध होगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा।
सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन बदलापुर एसएस पद से सेवानिवृत्त हुए राम अवध को भावभीनी विदाई दी गई। बता दें, कर्मचारी ने 32 साल रेल की सेवा की। 1991 में सुल्तानपुर जिले के बंधुआ कला में सबसे पहले पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अनेक जंक्शन में काम कर अपना सहयोग दिया और वह अंतिम समय बदलापुर में एसएस के पद पर सेवानिवृत्त हुए, जहाँ उत्तर रेलवे यूनियन संगठन कार्यालय ने संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सम्मान समारोह कर उन्हें सम्मानित किया। हरदोई में हुई बेमौसम बरसात और ओलों से किसान काफी परेशान हैं। बारिश के साथ पड़े ओलों और तेज हवा से किसानों की गेहूं की फसल कई जगह गिर गई है। आलू की पकी हुई फसल और लाही की फसलों को भी नुकसान हुआ है। हरदोई में एक बार फिर किसानों पर कुदरत की मार पड़ी है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि इतनी तेज हुई कि सड़कें और खेत पर ओलों की सफेद चादर बिछ गई। वहीं कई जगह बारिश के चलते गेहूं और जौ की फसल गिरकर खेतों में बिछ गई है। अब किसानों के आगे आर्थिक संकट है। संबल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित कार ने राहगीर को रौंदा है, जिसके बाद राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहजोई थाना क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे के पास की घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार